जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरता है तो हम सब जब शुरुआत होती है तो अनकंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा को समझना बहुतों के बस की बात नहीं। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा को समझना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि कई बार लोग ये जो आशीषें हैं इसको देख करके दुष्ट आत्मा में कंफ्यूज होते हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं होता। यदि ये दुष्टात्मा होता ना, दुष्टात्मा होती तो अभी गड़बड़ी पैदा कर रही होती। दुआ करी गई इसलिए करी गई क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ शुरुआती समय में मिलता है तो अनकंट्रोल्ड होता है। इसलिए जो जहन के अंदर मिस टीचिंग है पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा को लेकर के वो दूर हो सके, इसलिए शुरुआती समय में मैंने आपको इस बात को क्लियर करा कि आप शिक्षित हो सकें। नए लोग देखते हैं उनको समझ में नहीं आता ये क्या है, इसलिए इसको सिखाना चाहता हूं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति उसका चेहरा आपको बता देगा कि वो क्या है, उसकी एक्टिविटी आपको बता देगी कि वो क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि वो क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उस आनंद में डूबा हुआ होता है और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा होता है, अति आनंद उसके अंदर भरा हुआ होता है। ये एक भेद है, अंतर है, इसको हम आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं स्पेशल गया क्योंकि ये शुरुआती दौर के पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आपको मालूम है जब इंसान कोई चीज को नहीं जानता ना और उस काम को कर रहा होता है तो उसको ये नहीं पता कि उसको कहां रुकना है कहां नहीं रुकना। एक नया व्यक्ति यदि गाड़ी चला रहा हो तो जल्दी से ब्रेक नहीं लगते, ये एक्सीलेटर पर बैठ जाता है गाड़ी आगे भागती है, या अचानक से धचके से ब्रेक मारता है तो आगे कूद जाता है, पीछे वाला परेशान रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे सारी चीजों को सीख लेता है ना तो कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको पता है कि कहां धीमी होनी है, कहां ब्रेक रखना है, कहां गियर बदलना है, सारी चीजों से पता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं हर एक चीज की बुद्धि प्रदान करी। धीरे धीरे आप कंट्रोल हो जाओगे, पवित्र आत्मा में भर करके प्रार्थना करोगे और उसी पवित्र आत्मा में होकर के जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा आप प्रोफेसी करोगे। यदि आपको वरदान मिला है तो आप हिंदी में अनुवाद करोगे। This is the work of Holy Spirit. Control जब हम होते हैं। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति तो धीरे 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 करके अपनी एक्टिविटी करता है और वो ये चाहता है कि आराधना रुक जाए क्योंकि वो बेचैन होता है। पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति ये चाहता है कि आराधना होती रहे। This is the big difference. दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, मैंने आपको बताया ना,
वो चाहता है क्योंकि आराधना उसको बेचैन करती है, क्योंकि इस आराधना के अंदर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जिसके चलते दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति परेशान होता है, उलझन में आता है, डिस्टर्ब होता है। और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, आराधना शुरू होते ही उसके अंदर वो आनंद आ जाता है और वो उस आनंद में बना रहना चाहता है। आमेन। इस डिफरेंस को समझना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज और बोलूंगा, जो मजाक करेगा पवित्र आत्मा का, जैसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता, जबरदस्ती शब्दों को कैच करके दूसरे क्या बोल रहे उसको कैच करके बोलने की कोशिश करता है, तो हम न्यायी ना बने। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर उसको सजा देगा जो पवित्र आत्मा का माहौल उड़ाएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे, आप अधिकारी थोड़ी ना हो परमेश्वर, या परमेश्वर ने मुझ पर आपको अधिकार दिया कि तुम न्याय करो जाकर के? नहीं, आप तो खुश हो, प्रार्थना करें कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, और जो धोखा दे रहे हैं वो अपने आप को खुद मृत्यु की ओर खींच करके ले गया। जो जबरदस्ती शब्दों को सुनकर के दूसरों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनके ऊपर वो सामर्थ नहीं है, वो अपना इंसाफ परमेश्वर के द्वारा करवाएंगे। आप टेंशन क्यों लेते हो? बेगानी शादी जब होती है ना, परिवार की शादी, बेगानी शादी, गाने बजते हैं, लोग नाचने शुरू कर देते हैं, खुशी के अंदर पीना शुरू कर देते हैं, तो बुरा किसी को नहीं लगता, जबकि अपने घर के लोग ये काम कर रहे होते हैं तो बुरा नहीं लगता, ये पाप है, ये गलत काम है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में नाचने दो ना। जो गलत करेगा वो अपने लिए करेगा, वो आपके लिए नहीं करेगा, वो आपके लिए नरक का द्वार खुलता खुलवा रहा है, वो अपने लिए खुलवा रहा है, लेकिन उन सारी चीजों को रोक करके हम और आप अपने लिए नुकसान बना रहे हैं, उसका तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन हम अपना नुकसान नहीं करते। ये कुछ बातें हैं जो क्लियर होनी और क्लियर करनी बहुत जरूरी है, यहां बैठे हुए लोगों के लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए जिसके पास में शिक्षा प्रॉपर नहीं है। शिक्षा के बाइबल में सिर्फ एक बात बोली गई है, जान ना होने की वजह से मेरी प्रजा, क्या ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है? ज्ञान इतना मुख्य, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ना होने से प्रजा नाश हो जाएगी। प्रजा का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं? एक, दो, तीन, चार? प्रजा का मतलब भीड़ की भीड़, चर्च का चर्च, स्कूल का स्कूल, हॉस्पिटल का स्टाफ, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, जो भी पूरी प्रजा जिस जगह की, सब नाश हो। क्यों? अज्ञानता। ज्ञानी बनने के लिए कोशिश नहीं करें, क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए इसके साथ में रिश्ता जोड़ना पड़ता है। हम अपने आइडिये को लगा करके काम करते हैं, छोटी शिक्षा को प्राप्त इधर उधर से सुनने के बाद आइडिये से काम नहीं चलेगा, ये आइडिये से नहीं सीखती, सिखाती, ये परफेक्ट नॉलेज है, इसके अंदर परफेक्ट ज्ञान है। या idea.com नहीं चलता, इसलिए आप भी अपने आइडिया को लगाना छोड़ दीजिए। बात करिए मुझसे, क्वेश्चन करिए मुझसे, लेकिन अपने जो भी आपके मन के अंदर बातें मुझसे क्लियर करिए, मुझे अच्छा लगेगा।
लेकिन बीच में आकर के डिस्टर्ब करना वो गलत है। यीशु मसीह ने प्रार्थना घर जाकर के भी की, जिस जगह पर वो खड़ा था वहां से भी की, हाथ को लगा करके भी की, बगल हाथ लगाए भी की, आंखों से देख करके भी की, बोल करके भी की, उसके वस्त्रों से भी काम हुए। इसका मतलब कि इस ज्ञान को आपको पता नहीं है। यदि ये पता है और दुआ करते हैं और इस बात को बोलते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तो क्या परमेश्वर अपने मांगने वालों को नहीं देगा? देगा। जब बंदा रात के अंदर रो रो करके प्रार्थना करेगा, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करेगा, उपवास के साथ में प्रार्थना करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो लेकर के बैठ जाएगा। और जो आपके पास नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा वो प्राप्त कर चुका होगा। और वो नई शिक्षा के साथ में आएगा, नए प्रभाव के साथ में आएगा और नई सामर्थ्य और नए अभिषेक के साथ भरा होगा। आपको उसका हवा ही नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं करी, आपने idea.com चलाया। क्या करा? बाइबल से कोई हमको प्रूफ नहीं करेगा, आइडिया से बातें करेंगे। बाइबल से कोई प्रूफ नहीं करेगा, आइडिया से बातें करेंगे। तो प्लीज अपने आइडिया को मत चलाइए, मुझसे बात करिए। मुझे नॉलेज होगी ना तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या होता है आपको मालूम है? पवित्र आत्मा क्या है? जल्दी बोलिए। परमेश्वर का आत्मा। अब परमेश्वर का आत्मा मान लो मेरे देह के अंदर उतर गया तो मेरी देह के अंदर कौन है? परमेश्वर है। आप उसे टच करके उसको शैतान बोलोगे क्या? यानी कि आपको नॉलेज नहीं है। आपको अब परमेश्वर के आत्मा को काम करने से आप रोक रहे हो। ये परमेश्वर है, आप छोटे बच्चे वाला को, आपको नॉलेज नहीं है अभी। इसीलिए आपने भी गौर किया होगा ना, अब जैसे जैसे परमेश्वर ज्ञान दे रहा ना वैसे वैसे काम कर रहे हैं यहां पे। पहले यदि चूल्हे पर रोटी बनती थी तो आज आप गैस में क्यों बनाते हो? क्योंकि परिवर्तन आ चुका है। ठीक उसी प्रकार से जब परमेश्वर देता है ना तो परिवर्तन लाता है जीवन के अंदर। जब परमेश्वर अंदर है, हमने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर का रूह ही काम कर रहा है, उसकी शिक्षा दी, पहचानने की शिक्षा दी, इस चीज के प्रार्थना करो तो कोई भी उसको टच ना करे, उसको सर्कल में ले लो। क्योंकि जो सामर्थ्य जो आत्मा का काम उसकी देह में होने वाला है ना, वो आपके स्पर्श से रुके। आपको पता नहीं जाने में आप किसको स्पर्श कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार के अंदर एक बात बोली, ए शैतान दूर हो। किससे बोला था? पतरस से। था कौन वो? एग्जैक्टली कौन था? पतरस था। लेकिन प्रभु यीशु ने क्यों कह दिया कि तू शैतान है? क्योंकि उसके अंदर के विचार कौन से थे? शैतान। प्रभु यीशु ने तुरंत बोला ए शैतान, जबकि था पतरस, रोज रोटी खाता था, साथ में रहता था, प्रभु उसके दुआ कर रहा, सारे काम कर रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे शैतानी विचार उसके अंदर कौन डाल रहा है? शैतान। कोई नहीं समझ पाया, बाकी के चेले भी नहीं समझ पाए, लेकिन जिसको समझना था वो समझ गया। वो कौन था? परमेश्वर के सामने तो शैतान रुक भी नहीं सकता। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है हम लोग उसको बोलते हैं, उसको पकड़ो, उसके लिए दुआ करो, उसको बढ़ा दो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको पकड़ के रखो, क्योंकि उसकी एक्टिविटी दूसरों को मारने और डिस्टर्ब करने की।
लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की जो एक्टिविटी होगी ना वो सामर्थ्य में भरे हुए, बेशक इधर उधर मूवमेंट होगा। इसीलिए एक संकल्प से बना दिया कि आप उसकी कवरिंग में रहो लेकिन आपको कोई टच नहीं करेगा। वो अपनी आशीष खुले, छोटे बच्चे को जहां पढ़ना है आप बार बार उसको टच करोगे ना तो वो नहीं बन पाएगा जो उसको बन ध्यान रखना। इसलिए कुछ चीजों का क्लियर होना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा जब आता है ना, और आता जरूर है, कब आता है जब हम सच्चे होते हैं, कब आता है जब अपेक्षा कर रहे होते हैं, कब आता है कि हम मांग रहे होते हैं, कब आता है कि हमारी सोच के अंदर पवित्र आत्मा रोज हमारी दुआओं से जब शब्द निकलते हैं ना, शब्द जब बाहर आते हैं तो सिर्फ परमेश्वर और यीशु तक सीमित नहीं होते, वो परमेश्वर और यीशु से बाहर आकर के पवित्र आत्मा पर भी आते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों को छूने बदलना। हालेलुया। तभी तो पवित्र आत्मा आएगा जब आप ये बोलोगे कि यीशु मसीह मेरी राशन की लिस्ट को पूरा करवा दे, मेरे घर की लिस्ट को पूरा करवा दे, मेरे बच्चे की लिस्ट को पूरा करवा दे, इसका वीजा, उसकी नौकरी, इसका पास होना, इसके कपड़े आना, इसके खाने का इंतजाम होना, इसकी शादी का इंतजाम होना, इसके बच्चे का इंतजाम होना, इस चीज के लिए जब हम मांगते रहेंगे ना अपनी लिस्ट को तो हम पवित्र आत्मा के पास कभी आएंगे। मैं इस बात को विश्वास दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% लोग कि प्रार्थना के अंदर पवित्र आत्मा का नाम होता ही नहीं होगा। यदि कभी निकल गया ना तो उस प्रभाव के साथ नहीं होता कि पवित्र आत्मा की लाइफ में प्रभाव डालो, क्योंकि प्रभावशाली प्रार्थना बाइबल इस बात को कहती है। याकूब उसका 5 अध्याय के अंतिम पद में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ। आज अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाइए। आमेन। कैसा बनाए? जैसा तू चाहे वैसा हो जाए। आमेन। और वो क्या चाहता है? आपको मालूम है वो क्या चाहता है? जो वो चाहता है वो मैं आपको प्रचार करने जा रहा हूं। आज का संदेश बाइबल के अंदर हमको और आपको मिलता है, नीति वचन उसका 9 उसके पहले पद से 6 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 उसके पहले पद से लेकर के 14 पद तक पढ़े गए थे। जैसे भजन संहिता 81 पढ़ा गया था, इनसे संबंधित जो आज का थीम है, इनसे संबंधित जो आज का विषय है वो है गॉड्स ग्रेशियस इनविटेशन कॉल्स फॉर अ ग्लैड एंड विलिंग रिस्पॉन्स। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण नियंत्रण के प्रत्युत्तर में परमेश्वर के, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण के प्रत्युत्तर में हमसे आशा की जाती है कि हम आनंद तथा शिक्षा से उत्तर दें। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यह चाहता है कि जब मैंने तुमको बुलाया अपने पास तो आनंद और शिक्षा और समझदारी के साथ में क्या करो? उत्तर दो। ये ना बोलो कि मैं बहुत बिजी हूं प्रभु आ नहीं सकता, तो अंतिम समय की जब प्रार्थना मांग रहे होगे ना प्रभु भी ये जवाब दे, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, तो आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं बचेगा।
एक की प्रॉब्लम झटके में दूर होती है और एक की प्रॉब्लम प्रभु दिखाता उसको लाइफ लॉन्ग। चल बेटा रगड़, क्या हो ऐसे रगड़ाता है वो कि परिवार के लिए फैमिली के लिए टेंशन बन जाती है। क्या होता है? एक टेंशन बन जाती है। आपको मालूम है सिर्फ परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध जाने से, परमेश्वर के काम से ज्यादा कोई और चीज को महत्व देने से, इंसान को पता नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। परमेश्वर को जिसने जाना ना तो परमेश्वर की तरफ से बेस्ट होता है। इसलिए अपने रिस्पॉन्सेस को स्वेच्छा के साथ, ये नहीं कि यहां से बोल दिया दिखाने के लिए, प्रभु तू महान है, तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू ये तू वो तू सब कुछ, लेकिन जब वक्त आया ना तो हमारे रिस्पॉन्सेस बदल गए। रिस्पॉन्स विलिंगली होने चाहिए स्वेच्छा के साथ। विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग, परमेश्वर खुश होते रास्ते और द्वार पर। इस चीज के अनुभव तक पहुंचने के लिए बाइबल का अनुभव लेना बहुत जरूरी है, वरना अभी टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। यदि आप बाइबल के अच्छे जानकार हो तो समय नहीं लगेगा, तुरंत कनेक्ट कर लो। चैप्टर पढ़ा हुआ होता ना तो टीचर जो पढ़ा रहा होता है तो आराम से समझ आता है, जब चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो टीचर जो भी पढ़ाए बाउंसर निकलता है ऊपर से। यदि चैप्टर पढ़ा हुआ है ना तो बाउंसर नहीं लगेगा, आप रुक लोगे, समझ जाओ। इसलिए आज उस विषय के ऊपर मैं मनन करने जा रहा हूं और आपका ध्यान उस पर केंद्रित कराने जा रहा हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या योजना बनाता है और क्या हो जाता है। सर निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसके पहले पस, जल्दी से कोई जोर के शब्दों के साथ में यहां से पढ़े पास से। यीशु फिर उनसे दृष्टांत पर में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेज के निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। बस लिखा हुआ है स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। मतलब कि जो किया शब्द का इस्तेमाल यहां पे किया गया ना, इसका मतलब कि काम खत्म हो चुका, सिर्फ स्टोरी सुनाई जा रही है। क्या हो गया? काम हो चुका है, अब सिर्फ स्टोरी सुनाई जा रही है। यहां पर लिखा हुआ है और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। कैसे लोगों को? यानी कि निमंत्रण लोगों को पहले मिल गया। शादी के कार्ड आते ना, आते हैं? Yes. सारी दुनिया के? Yes. सारी दुनिया के लोग बुलाते हैं आपको? नहीं। कौन बुलाता है? जिसके संपर्क में हमें, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध है, हमारे अपने परिवार के, हमारे अपने घर के, बस दुनिया के लोग बुलाते हैं। लेकिन इस बात को सुनो, आप दुनिया के लोगों को बुलाते हो, लेकिन परमेश्वर ने दुनिया के लोगों को बुलाया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया के लोगों को बुलाया, ना तो कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई कास्टिसिज्म, कुछ नहीं, सबको बुलाया।
छोटा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, पतला हो, मोटा हो, ऊंचा हो, नाटा हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, वैज्ञानिक हो, साधारण हो, निर्बुद्धि हो, निर्बल हो, कमजोर हो, अनपढ़ हो, निर्बुद्धि, जो कुछ भी हो, सबको प्रभु ने क्या करा, बुलाया। इनविटेशन फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं होता है, लेकिन यहां पर बाइबल इस बात को बता रही है कि निमंत्रित लोगों को बुलाया। अब क्या है, खाना तैयार है, क्या चीज तैयार है, खाना तैयार है, भोजन तैयार है, आ जाओ आ जाओ। तो लिखा हुआ है परंतु उन्होंने आना, किसी का कहना है ये घंटा क्यों लगा चर्चेस में, ये घंटे चर्च में क्यों होते हैं, अरे कोई बता आ जाओ। पहला घंटा लग गया 8:30 बज गया, दूसरा घंटा बज गया 9:15 बज गया, तीसरा घंटा 9 बजे चर्च शुरू होगा, आ जाओ। लोगों का कहना था इस घंटे के बाद दूर से दूर तक जाती है ना, इसलिए आज की तारीख में दूर से दूर तक के लोग आ रहे हैं। आमीन। लेकिन ये निमंत्रण है, हर संडे आप कहोगे पाली साहब को नई नई बातें बताओ, जब ड्यूटी जाना होता है कौन से घंटे को सुनते हो आप, जब ड्यूटी जाना होता है, स्कूल जाना होता है, ट्रेन के सफर में जाना होता है, पढ़ाने जाना होता है, घूमने जाना होता है, मस्ती मारने जाना होता है, तब कौन से इनविटेशन को, कौन से घंटे को आप सुनते हो, कोई घंटा नहीं, कोई घंटा होता है नहीं होता, वहां विलिंगली रिस्पॉन्स है। कैसा स्वेच्छा के साथ में प्रत्युत्तर है, 6 बजे की ड्यूटी, 4 बजे उठ के नहा धो करके पत्नी भी उठ जाएगी, नाश्ता फटाफट पति को दे देगी बना करके, लीजिए 1 महीने के बाद में 20,000 आएंगे हाथ में, 25 आएंगे, 50 आएंगे, 60 आ जाएंगे, मेरी तो दुआ है लाखों में रहो आप, आमीन। लेकिन ये विलिंगली रिस्पॉन्स है, लेकिन व्हाट अबाउट द चर्च जो हर समय हर संडे को 3 बार आवाज देता है, आ जाओ चर्च का दरवाजा खुलिए, आ जाओ। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने आना ना चाह, बाइबल में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, भोज में बुलाए परंतु उन्होंने आना ना चाहा। क्या करेंगे चर्च, क्या होता है, एक तो 5 घंटे की आराधना होने लग गई है, 4 घंटे की आराधना होने लग गई है, हैं? बात तो होती होगी, 3 घंटे चर्च लगने लगा, 3 घंटे तो गुड फ्राइडे का कभी हुआ करता था, आज तक कभी 3 घंटे का चर्च देखा ही नहीं हमने, इसका उदाहरण दूंगा। जितना गुड़ डालोगे उतना लड़कियां जब शादी होती है तो बेस्ट से बेस्ट पार्लर करेंगे, लड़के भी बेस्ट से बेस्ट ड्रेस पहनेंगे, कम खर्चे में कर लेना काम, पार्लर में तैयार होने में कितना टाइम लगता है, एक शादीशुदा शादी होने वाली लड़की को, एक लड़के को 3-4 घंटे, तो माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि विलिंगली रिस्पॉन्स वहां पर है, मेरा मन है मैं अच्छा खूबसूरत दिखूं, लेकिन परमेश्वर के साथ में रिस्पॉन्स जो है ना अच्छा नहीं है, इसीलिए दर्द होता है, 4 घंटे की दुआ क्या है, अननेसेसरी नहीं है,
कितनों की जिंदगियां बच गई, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सुन लिया, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। आप ना अपने माइंड को घुमा नहीं पाते हो, इसको घुमाओ कि संसार को आप कितना प्यार करते हो, परमेश्वर को कितना प्यार करते हो। एक ब्राइड मालूम है हफ्ते भर से तैयार होना शुरू, हाँ या ना? मेहंदी हाथों में, पैरों में, गलों में, सब जगह विलिंगली रिस्पॉन्स सही है, लेकिन परमेश्वर के लिए चौपाल बैठी आएगी। इतना लंबा चर्च, मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन में ना बैठो ज्यादा बेस्ट, लेकिन मजाक मत उड़ाना। कोई आपको कंपेल नहीं करता कि आप जबरन आकर के बैठो। चर्च का मैनेजमेंट कलीसिया के हाथों में नहीं होता, पास्टर के हाथों में, या नहीं? चर्च का मैनेजमेंट पास्टर के हाथ में होता है, चर्च की वर्शिप पास्टर के हाथ में होता है, कलीसिया पास्टर को घुमा नहीं सकती। ये लॉ है, लॉ से बाहर नहीं होना। जो मुझको रिटर्न लॉ मिला है ना, उस लॉ के अंदर ही है। तो इसलिए मेरे को जैसे आत्मा अगुवाई करेगा, आपको जैसे आत्मा अगुवाई करेगा, वैसा काम करो। आपको लगता है कि आपके एक घंटे के अंदर आप संतुष्ट होंगे, तो आप अपने ऑफरिंग को डाल करके चले जाओ, नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपका दिल करता है आखिरी में प्रभु भोज होने वाली, आप प्रभु भोज के समय आ जाओ, मैं कुछ नहीं टोकूंगा। आपको लगता है कि आप एक दो घंटे के बाद में चर्च में, आप दो घंटे के बाद में चर्च में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टाइम पे रह करके अपने काम करूंगा। जिसको आना होगा वो आएगा, आमीन। लेकिन प्लीज, ये चर्च आशीष का घर है। मैं सिर्फ इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, बिब्लिकल टीचिंग दे रहा हूं। मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब पेशेंट बीमार होता ना, अपना कोई बीमार होता ना, तो दिन और रात गाड़ियां भगाते हैं, आंसू भी टपकाते हैं, उपवास भी करते हैं, दिन और रात प्रार्थना जो कभी नहीं करी होती ना वो भी शुरू कर देते हैं। अब चाहिए ना प्रभु से, लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, एहसान फरामोश प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चर्च प्रार्थना का घर है। रुकावट और अड़ंगे मत डालना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रुकावट और अड़ंगे मत डालना। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं, रुकावट और अड़ंगे मत डालना। और कुछ सोच करके बोल रहा हूं, जैसा परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। सरमन ये नहीं था आज, गलत बैठने वालों के साथ में, गलत बोलने वालों के साथ में, गलत सिखाने वालों के साथ मत बैठना, या पॉल्यूट ना हो जाओ। पॉल्यूट ना हो जाओ। परमेश्वर का इनविटेशन है, आपने आना नहीं चाह कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने आना ना चाह, फिर उसने और दासों से ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परमेश्वर का दूसरी आवाज, आ जाओ। परंतु मैं उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दास को पकड़कर उनका अनादर किया और इतना ही तो कर सकते हो, इतना ही तो कर सकते हो, अनादर कर सकते हो और मार सकते हो, इसके अलावा क्या कर सकते हो। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को
ये भीड़ जो इकट्ठा थी, जो विरोध कर रही थी, जिन लोगों ने मारा था, राजा को रोक नहीं पाई, राजा की शक्ति को रोक नहीं पाई। जब वो आग लगाया जा रहा था तो रोक नहीं पाए, जब वो हथियारों को मार रहा था तो रोक नहीं पाए, क्योंकि राजा से बड़ी पावर किसी के नहीं। और वो राजाओं का राजा, हमें वो राजाओं का राजा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं है। उनका रिस्पांस अच्छा नहीं, वो गाली दे रहे हैं, वो अपमानित कर रहे हैं, वो मारा पीटी कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, उनका रिस्पांस अच्छा नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो राजा मेरे घर के अंदर पानी नहीं आ रहा, मेरे घर की लाइट खराब हो गई, तो किसके पास पहुंचेंगे? राजा के पास में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तब राजा क्या कहेगा, मेरे बुलाने पे तुम मेरे बेटे के विवाह पर आए थे? तब बोले लगे, ठीक उसी प्रकार से आज की तारीख में हमको और आपको इस बात को सीखना है कि जब आप उसके सामने हाथ चलाओगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त वो मना करे, ऐसा ना हो कि उस वक्त वो मना कर दे, इसलिए हमको सीखना है। तब राजा ने क्या कहा, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अब जो भी मिले, जितने भी मिले, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से। ये भोजन मालूम क्या था? परमेश्वर का वचन, इसको सुनना नहीं चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना, इसकी बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आना नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि मैंने तो अपने पले हुए पशुओं को क्या कर दिया, मरवा दिया भोज के लिए, तो आना नहीं। आज बहुत सारे प्रभु के लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है सिर्फ इस वचन की शिक्षा को बांटने में। तभी परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा किया, विवाह का घर अतिथि से सबको बुलाया। बीड़ी पीने वाले भी आ जाओ, सिगरेट पीने वाले भी आ जाओ, दारू पीने वाले भी आ जाओ, विचार करने वाले भी, सबको बुला दिया। लेकिन अब सबको अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, नया बनाएगा। हमें क्या करेगा, नया बनाएगा, क्योंकि वो नई सृष्टि बनाने के लिए है। क्या करने के लिए आया? यदि आप नई सृष्टि बन गए तो वापस से वो काम मत करना जो करते थे, वापस से वो काम मत करना जो करते थे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। आप जितने नए विश्वास के लोग भी आते, बहुत सारे लोग नशा जाने क्या क्या करते होंगे, आपसे परमेश्वर का कलाम बातें कर रहे हैं कि वो सारी चीजों को छोड़ो जो पाप की है, जो तुमको नरक की ओर ले जाते हैं। यदि आज आपने पहली बार सुना, कहीं नहीं सुना, तो ध्यान रखिएगा ये हम लोग की प्रार्थना थी कि जिसने कुछ ना जो नहीं सुना आज वो सुनने पाए। क्योंकि आपको बीड़ी सिगरेट व्यभिचार नशे के लिए कोई टोकेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का कलाम आपको पवित्र करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए टोक रहा है। परमेश्वर का कलाम आपको सही दिखाने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए, बातों को दिखा रहे। जब पवित्र आत्मा से लोग भरते तो आप अपनी आंखों से देखते हो क्या हो रहा है, जो पहली बार आए नए क्या हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम। जब वचन सुनाया गया तो यही वचन की बातें समझ खोलना शुरू कर दी, वो चित्त में समाने वाली बातें, जो परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में। इसलिए इस इनविटेशन को आप स्वीकार करो, जो परमेश्वर की तरफ से और परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसकी कॉल सबके लिए है ताकि सब
परमेश्वर के राज्य में पहुंचे, जबकि हम सब निमंत्रित किए गए हैं, एक एक व्यक्ति। कोई भी ऐसा नहीं है जो निमंत्रित ना किया गया हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का क्यों हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, सब निमंत्रित हो। सब क्या हो? निमंत्रित हो। क्या जाओगे उसके पास? क्या तैयार उसके पास जाने के? बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी, कि आप वहां जाना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हो, उसके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहते हो, उसकी डांट को सुन करके भी आप प्रभु के पास जाना चाहते हो, डांट सुन करके पुनः फिरते जाने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर आपको नया बनाने के लिए तैयार, नई सृष्टि बनाने के लिए तैयार, बदलने के लिए तैयार, आकर्षित करने को तैयार। क्योंकि वो अपने वायदे से कभी नहीं हटता, आप हट सकते, वो नहीं हटता, क्योंकि वो परमेश्वर है, रब इंसान। ये परमेश्वर का इंतजाम है कि हम सब उसके उद्धार के, प्रबल उद्धार की योजना में भागीदार बने। कितनों को उद्धार चाहिए? कितनों को उद्धार चाहिए? क्या उद्धार? उद्धार है क्या? आपको मालूम है व्हाट इज सेलिब्रेशन? अरे हलवा पूरी थोड़ी ना है, दोबारा मेले में मिलती है। व्हाट इज सेलिब्रेशन? परमेश्वर ने हमको अंधकार के जीवन से निकाल करके नए जीवन के अभिषेक से भर करके हमारा उद्धार हमें वो धरती पर है। उसकी प्राप्ति कहां पर है? धरती पर। उसकी प्राप्ति धरती पर, उसके बाद में स्वर्ग, बाद में जब न्याय होगा, न्याय के बाद में हमको और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग बाद, स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? कितनी अच्छी चीज है जहां पर सब लोग पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर का जो इन्विटेशन है आपके लिए, मेरे लिए, और उस इन्विटेशन के अंदर जो मेरा और आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। अपने रिस्पॉन्सेस को सकारात्मक, ठीक है ना? उसकी आवाज को ध्यान से सुनो, उसकी आवाज को क्या करो? ध्यान से सुनो। शैमुएल के पास में आवाज गई, शैमुएल, शैमुएल, शैमुएल। तो चूंकि शैमुएल ने शिक्षा प्राप्त करी थोड़ी देर पहले, किससे? एली से। आपने आवाज दी क्योंकि एली अनुभवी व्यक्ति था, पवित्र आत्मा को जानता था, परमेश्वर को जानता था, इस बात को भी जान लिया। आवाज मैंने नहीं दी तो किसकी आवाज इसके पास पहुंची होगी? अनुभवी व्यक्ति तो अनुभव के साथ में बात करेगा। कहता है अब की बार यदि आवाज आए तो कह देना, ऐ खुदावन बोल, तेरा बंदा। ये उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जहां पर अनुभवी है और जहां पर अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने एक बार में रिस्पॉन्स को सुना, एक बार में शिक्षा को सुना, और एक ही बार में सुनने के बाद में रिस्पॉन्स को दे दिया। जब फिर आवाज आई, शैमुएल, 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 तब शैमुएल ने आवाज दी जबकि छोटा था, ऐ खुदावन बोल, तेरा बंदा। क्या आप विलिंगली स्वेच्छा के साथ में प्रभु को रिस्पॉन्स देने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो? जैसा वो चाहता है, जैसा आप कहते हो वैसा नहीं, जैसा वो चाहता है। यदि आप रेडी हैं तो परमेश्वर आपको उस स्थान में ले जाने के लिए आने वाला है। उसके लिए तैयार हो जाइए, यदि तैयार नहीं है तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसने बुलाया सबको है। चुने हुए तो बहुत हैं, बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए ये थोड़े क्यों हो गए? बुलाए जब सारे गए तो चुने हुए थोड़े क्यों हो गए?
बुलाए में तो बहुत सारे थे लेकिन चुने में थोड़े क्यों हो गए? हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है। हम कहते तो हम प्रभु के साथ में लेकिन फिर भी थोड़ी सी साइड में जाके बीड़ी लगा लेते। कहते तो हम बहुत अच्छे हैं फिर भी जाकर के थोड़ा सा नशा कर लेते। कहते तो हम बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी जाके गालियां बक देते। कहते तो हम बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी जाकर के व्यभिचार कर देते। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं, बुराई कर देते, झगड़े कर देते, लालच कर देते, ईर्ष्या कर देते, नफरत कर देते, बक देते, षड्यंत्र बना लेते हैं। कहते तो हैं हम प्रभु के साथ में लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। रिस्पॉन्स अच्छा मालूम कैसे होता है कि आज इसकी आवाज को सुनने के बाद में सब कुछ यीशु के नाम से त्याग दिया। नाउ आई एम बिकम अ न्यू क्रिएशन, अब मैं नई सृष्टि बन गया। क्योंकि वहां पर बुरे व्यक्ति की एंट्री नहीं, पापियों की एंट्री, वहां पर अच्छों की एंट्री। इसकी एंट्री है अच्छों की। जो कोई अच्छा बनेगा इस धरती पर दिखावे वाला काम नहीं। मैं फिर बोलता हूं कोई भी काम दिखावे का मत करना कि जबरदस्ती दुआ करके दिखा रहे हो। आंख भी नहीं देखा वो आ रहे हैं तो हमको सोचेंगे क्या बहुत अच्छी दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, खड़े होकर के दुआ करते, बैठ करके करते, देख कर करते। वो काम मत करना, जैसे हो वैसा है। बनावटी लाइफ आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे अंदर से हो ना वैसे बाहर, तब आशीष को प्राप्त। तब क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर अच्छों को पसंद करते, बनावटी लोगों को, गुरु को नहीं, गंदों को। उसपे कोई भी हो सकता, मैं भी हो सकता, मैं भी हो सकता। क्योंकि मैं आपको जो भी संदेश देता हूं तो अपने आप को कभी भी आपसे अलग नहीं करता, क्योंकि वो सबसे पहली बातें मेरे लिए। अपने आप को जितनी बातें मैं बोलूंगा आपसे अलग नहीं रखूं, अपने आप से अलग नहीं रखूं, अपने आप को इंक्लूड करूं, क्योंकि ये बातें मेरे ऊपर भी लागू होंगी। मैं एक अच्छा पासवान नहीं हूं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। यदि मैं अच्छी सेवकाई को नहीं कर पा रहा तो परमेश्वर उसके जवाब देगा। वो फैसला करेगा, वो न्याय। स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे और यदि मैं अच्छा हूं तो स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। जो मेरे लिए वैसा है, हर एक सुनने वाले जो मेरे, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, उसकी बात पर विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार आगे चलें और बढ़ें, ताकि सब ये जीवन के अंदर एक दिन आए कि हम सब एक साथ स्वर्ग में मिलें। नेगेटिव सोचिए ही नहीं कि इसमें से कुछ उठाइए, पॉजिटिव सोचिए कि सारे उठाए। नेगेटिव सोचिए नहीं लेकिन सारे उठने के लिए सारों को एक अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देना पड़ेगा, सकारात्मक प्रतिक्रिया, ताकि हम एक साथ मिलकर के, सोचो ना एक साथ हाथ पकड़ करके जो उठा रहे हैं तो क्या ही खूबसूरत आंखों का बदले भी सृष्टि, बदले हुए वस्त्र, बदली हुई सोच, स्वर्ग जाने वाली सोच, क्या आनंद होगा। इसलिए सब लोग अच्छे जीवन को जीवन, ताकि परमेश्वर से अच्छे। आइए मम्मी आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के, जो आपने नहीं आपका अपने वचन से प्रभु आपने हमें भरा, इसलिए प्रभु अपने ज्ञान को प्रभु आपको मिला, इसलिए प्रभु आपको कुछ गलतियां होंगी तो क्षमा कीजिएगा,
यदि प्रभु ये सीधा खरा वचन है, तुरंत असर करने वाला है, तो प्रभु ये असर डाले और लोगों की जिंदगी के अंदर इसका प्रभाव पड़े और लोगों के रिस्पॉन्सेस उनके प्रत्युत्तर प्रभु सकारात्मक हो सके। आप अपनी दया में सबको बनाकर सबको आशीर्वाद आपके पास लोग यीशु मसीह के नाम से आमीन।